सर आपने स्माइल तो किया कम से कम। नहीं स्माइल करता हूँ कभी कभी, उतना नहीं आता जितना आप करते हैं। थैंक यू सर। ये एक पार्लियामेंट मेंबर अपनी बात रखने के लिए कोशिश करता है, स्टडी करके लाता है, अपने व्यूज को आपके सामने रखता है। अगर वो ठीक नहीं है कानून के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, आपके बिजनेस रूल्स के तहत, तो उसको आप निकाल दे सकते हैं। लेकिन आप टोटली अगर उधर के लोग उठे गड़बड़ करे तो आप वो कहते हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये मैं नहीं मानता। आप जरा जो आदमी इधर सॉरी जो मेंबर इधर कहता है उसको कहने दो, और रिबट करने के लिए तो चाणक्य है ना, रिबट करने के लिए है। यहाँ तो होम मिनिस्टर बैठे हैं, यहाँ तो होम मिनिस्टर बैठे हैं, वो हर चीज का रिप्लाई देने के लिए समर्थ है। दूसरे लोग क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं। और आप कितना भी कोशिश करो कोई मिनिस्टर बनने वाले नहीं जब तक शाह और मोदी साहब बोलेंगे। देखिए सर, एवरी टाइम यू कीप ऑन शाउटिंग देयर आई एम नॉट गुड, यू मस्ट हैव सम साइलेंस जोन। उन्होंने जो कोर्ट सम साइलेंस जोन उन्होंने दैट विल हेल्प यू एंड द हाउस। यस सर, गो अहेड सर। उन्होंने जो कोर्ट किया पेरियार के जो लिखी हुई बातें हैं और कही हुई बातें हैं उन पर उन्होंने बात किया। उस विचार से आप सहमत हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते, हम भी सहमत हो सकते कई बातों नहीं भी हो सकते, लेकिन लेकिन आप जो उनके विचारों को उन्होंने लिखे हुए विचारों को उन्होंने यहाँ प्रस्ताव किया वो उनकी बात नहीं है, उनकी बातें नहीं है, कोटेशन उन्होंने कोट किया, जो उनको कहना था वो किया। तो आप कितने ये बातें जो उनको कही हुई है उस विचारधारा यहाँ पर वो बोल रहे हैं उससे हो सकता है वो भी सहमत नहीं है, हम भी सहमत नहीं, आप भी सहमत नहीं हो सकते, लेकिन बार बार उसको बात करने से रोकना दिस इज मोस्ट अनडेमोक्रेटिक। फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप रोक रहे हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच को कट करने की आदत तो है ही, उनको इनको भी वैसा ही कर रहे। किनको किनको आदत है सर? हाँ गवर्नमेंट को नहीं सर। आपको कैसा बोलूं? यहाँ तो मुझे ही कंट्रोल करना। आप तो आप बोलता ही नहीं, मान्यवर आप बात बात को तलवार उठाते हैं, इसलिए मैं अपनी गर्दन छुपा के रखा। उन्होंने पेरियार के विचारधारा बहुत से अलग 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 समय में सर, एक हाथ जोड़ के विनती करूंगा, जयराम जी ने अथॉरिटेटिवली आप सबके बिहाफ पर एक बात कह दी है। अच्छा, उसमें कुछ ऐड करना? नहीं नहीं, सबके तरफ से नहीं, फॉर्मली अथॉरिटेटिवली। मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ सर। ये ऐसा है कि कोई सहमत हो सकता है कोई असहमत हो सकता है, जैसा कि मनुस्मृति को कोई लोग मानते हैं कोई लोग नहीं मानते, ये तो सच है ना। तो वैसा ही हमारे देश में अलग अलग धर्म है, अलग अलग विचार के लोग हैं, और कोई समर्थन करते हैं कोई समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन इसलिए मैं ये कहूँगा कि मक्तल में आते हैं वो खंजर बदल बदल के, या रब मैं कहाँ से लाऊं सर बदल बदल के। कहाँ है हमारे त्रिवेदी साहब? तो ये मक्तल है जैसा है, हमारा सर काटने के लिए तैयार हो गए हैं, तो हम मक्तल में जो भी आएंगे वो खंजर बदल बदल के ही आएंगे, लेकिन सर तो हमारे पास एक ही है, इसीलिए सर बदल बदल के तो नहीं हम कर सकते। सर मेरी हालत तो समझिए, मैं लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन के बीच में हूँ। ऐसे ही रही साहब, ये अच्छा है आप ऐसा ही रहे।